नारियल काट दिया मैंने। जल्दी करना माँ, माँ मिठा खा के गिद्दा डालो। अच्छा अच्छा छोरी मान कर, यहाँ चूल्हा ना जले तैयार आगे घोड़े पे सवार। क्या करे माँ के गोडे में बैठी, आज नचेगी नहीं। छोरियो बस करो, थारी दादी थक गई। रिछमिया ते अपने घर ना जावागी रे, घनी शाम होने लगी। जा बच्चा जा, नेरे मा रास्ता ना देखे। राम हरी मां, घनी देर होगी रे, बाबा मारेगा, मां तो जाऊं। रिछमिया रिछमिया, यो थोड़ा मीठा अपनी मां के ने ले जाइयो, ते भी खाइयो। खल्ला सबेर को चमकी को मारे घर भेजेगी ना, हम सारी मिलके मेला देखने जावेंगी। अच्छा अच्छा चली जाइयो, पर शाम होने से पहले आ जाइयो। अपने दादा को दे। दादा बड़ी देर कर दी। आज ईद का दूसरा रोज था, बच्चे बाले गुब्बारा पानू लपका मार कोई अंत। मैं इतने पैसे छोड़ के घरों कैसे आ जाता रे चमकी की माँ। सलाम बाबे, क्या हाल है तेरा? हमारा बच्चा ठीक है, हमारा छोरा मजा भी ठीक है। आज के एक रोज की कमाई महीने की कमाई बराबर हो गए तो जाने बाबे।
दो दिन बाद फिर वही टिल्ली चूड़ा टेट करा लो, मंजी पीढ़ी ठुकवा लो, यही कुछ होगा। बराबर बोले ते। क्या बराबर बोलो, गरम तो है भाई। राइयो क्या करा, हाथ तो धो लेने थे। बाबे ये हाथ साफ ही हुए इनका का लगा, हाथ तो उनके गंदे हों जो लोगों की जेबा साफ कर रहे हैं, जो चोरियां कर रहे हैं, डाके मार रहे हैं, खून कर रहे हैं लोगों का। ठीक बोल लेते हैं गामिया। री मैंने सुना है मेले में एक नवा झूला लगा, माँ तो उस पर जरूर बैठू हूँ, तैं बैठेगी छमिया? ना री मैंने झूले के चक्कर से बड़ा डर लग, माँ तो ना बैठू। तैं ना बैठेगी री, तो माँ भी ना बैठू। हम अपने हाथों पे मेहंदी लगवावेंगी है चमकी। यार ठीक है, चूड़ियां भी खरीदनी है। मैं ते चाट खाऊं, नाले पानी फुलकी खाऊं और खट्टे खट्टे दही बल्ले खाऊं। बस कर, बस बस, मारे मुंह में पानी आ गया। वीर का नाम लिखा ले रही। चुप, तैं लिखा लेना इसका नाम। जी खामोश, वीर मेले में होवे सुन लेवेगा ना तो क्या मत आ जावेगी। यहाँ के लिए आई हो? रसोना ते माँ को साथ लाती ना? ना हमारे साथ तो रानी नीली भी आई है। तैं अभी से मेहंदी भी लगा ली रही और चूड़ियां भी खरीद रही, अब माँ क्या खरीदू थारे वास्ते? बोल बोल, ले शरमाए जावे है। आ गई थी री, अब खबरदार अकेली तो उतर गई, यहाँ अच्छे लोग भी हो गए, बुरे लोग भी। चलो माँ पूछेगी ये कपड़े कहाँ से लाए,
मैं क्या बोलूंगी री, माँ बाप ऐसे हमारी शिकायत कर देगी। बता ना छमिया, मैं क्या बोलूं? बोल दियो, मन्ने लाकर दिए, एक दिन तो मन्ने लाकर देने आना, क्यों री? हाँ और क्या, बोल दे। नाना मन्ने घना डर लगा, अरे मारी माँ इतना नेरा हो गया री, माँ चली पापा हो गया होगा। रे चमकी सारे कपड़े रह गए री, कैसी बेदर्द है, मारे वीर नहीं ते प्यार से खरीद दे। और ते अच्छा ते माँ से कहियो बिछमिया ने तोहफा दिया, बस खुद चल जा, मन्ने हांडी चढ़ानी है। चल मैं तने छोड़ा हूँ। चमकी ये कुछ बोल, देखते हैं चुप ना रहा कर, मन्ने थारी चुप घनी बुरी लागे, तैं तो बस कोयल की तरियो कूका कर। रसोन माँ जद भी खाप देखू ना तो मन्ने बड़ा डर लागे, अजीब गरीब खाप आ गए। रसोना मन्ने तो यो लागे के थारी मारी शादी के बाद, बोल बोल बोल, शादी के बाद या तय नहीं रहने का या मां नहीं रहने की। चुप, खबरदार ऐसी बस सुगुनी की बातें तारे मुंह से अच्छी नहीं लागे, तह तो बस प्यार मोहब्बत की बातें किया कर, तह क्या जाने प्यार में कितनी ताकत हो गया है। अच्छा चल तह यो कर, रात को सोने से पहले मारी सूरत अखियां बंद करके उस बात तक देखा कर जब तक सोना जावे, फिर सोने सोने ख्वाब आवेंगे। तेरे मजाक सूझ रहे, मारी जान निकल जावे, मैं था डरू सारी पसीने में फेंक जा, खड़ी प्यास लगे अम्मा को जगा दो, सारी रात जाग के गुजार दू। इसमें डर वाली क्या बात है, है ना? तै समझे ना बरादरी मारी भी और थारी भी दोनों अपने अपने मन मानिया कर, थारे मारे बारे में कोई ना सोचे। लालू लालू जा देख मारा बच्चा चमकी आई कि नहीं, बाबा नहीं छोड़ेगा उसे। मारा पापा खां को घर में दाने नहीं, तू चला अपनी शादी की बात कर, पूरी बरादरी माँ मारी साका छोरा ही कोई ना, बाबा मारी शादी कहाँ करे, बोलो। मारी बुलबुल तै खौफ सदा ना हुआ कर, माँ सब संभाल लू, बस थोड़ा इंतजार कर, ले थारी जुगी तो आ गई। चमकी आ गए, चमकी नहीं आई भी तो ही, घड़िया ही देर कर दी।
छोरी सोने ते मिलने ना छोड़ेगी। के बोला था मैंने? तैं समझा ले छोरी को और नहीं तो मैं समझाऊं। मां खुद समझा लूं ते आए रहन दे। रात का वक्त हो गया ना, छमिया ने भेजा है छोड़ने के वास्ते। छमिया ने भेजा होगा कम बखत ते बाज ना आवेगी, मन्ने भी बर्बाद करेगी, खुद भी बर्बाद होवेगी। देखा 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 मैंने क्या छुपावे, दिखा ना। यो यो किन्ने दिए? बोल सच बोल, किन्ने दिए? नहीं तो जान ले लूं। बोल समिया, छमिया ने दिए? यो कपड़े छमिया ने दिए? ओ क्या मास्टर नहीं लग गई है? इतने पैसे कहां से आए विस्के पास? हाँ बोल, कुछ नहीं कमजोर। बोल यो कपड़े किसने दिए तुझे? बोल सोने ने दिए ना तुझे? सोने दे दिए? कमजोर कमबख्त, कुछ नहीं तारे बाबे को पता लग जावे ना तो टोटे करके डकरे डकरे करके तुझे कुत्तों के आगे डाल दवे। मैंने क्या किया? उसने खुद आने दिया, मैंने तो नहीं मांगे। अब छुपा इनको, छुपा इनको, छुपा इनको। और सुन, खबरदार जो आइंदा सोने से मिली थे, चल जाके रोटी पका, बाबे को रोटी देने। जल्दी जल्दी हाथ मार। सलाम मास्टर। तैं कल बड़ी जल्दी झूले का काम छोड़ के चला गया, भूल गया आज कल ईद के दिन हुए हैं, ईद के तैं कमाई छोड़ के चला गया? ना मास्टर ना, मैं अपना टाइम पूरा करके गया पूरे 8 बजे। तैं छोटे से पूछ ले बेशक। रा मैं सब जानू, पर आजकल कमाई फालतू करेगा तो फालतू पैसे बनेंगे ना, फिर मुंह हट के खड़ा हो जावे। मास्टर ईद का मौका है, बोनस दे दो, ईदी दे दो ना। थारा क्या ख्याल है कि मैं थारे को अपने घर से लाके दूंगा? तै फालतू काम करने वाला बन, तब मैं फालतू देने वाला बड़ा ना। मास्टर गलती हो गई, माफी दे दे, आइंदा मैं ख्याल रखूं। गलती हो गई। छुआरे ले लो रे, टूटा फूटा नलन दे के छुआरे ले लो रे,
ती छोरे ले लोरी टूटा फूटा न लंदे के ती छोरे ले लोरी चारे ले लो लोनो तेरे ते री जगह जगह लिखा हो बे सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए ते रख री ख्याल तन्ने दो किताब जो पढ़ ली हम क्या जाने कहां क्या लिखा होवे क्यों री भर जाए मारी चमकी बड़ी समझदार अच्छी अच्छी बात ना करे मने यो बड़ा अच्छा लागे बुआ कदी देखिया ताने कुत्ते को हाँ मन्ने कई बार देखा कुत्ता भी जब अपनी जगह माँ बैठन लागे ना तो पूंछल से बैली अपनी जगह साफ करके फिर बैठे रियम तो फिर इंसान हो गए हमको चाहिए कि अपनी जगह अपना सैर अपना मुलक साफ करके रहे देखियो अम्मा माँ वारी मारी लड्डो मारी नजर ना लग जावे ऐसी सुझबुझ की बातें करे ते कहां से सीखी तो नहीं यो बातें ते भी किताब अपने ने सीख जानी है अम्मा यो सब कुछ तो किताब में लिखा होवे चल री चल, चल। चमकी यो क्या लिखा रे हाँ दिखा हो बे नशा एक लुगत ना नशा एक लानत है यो तो बड़ा सच लिखा रे इस लानत ने तो मारे हंसते बसते घर में आग लगा दी री बस कर तकदीर का लिखा कौन मिटा सके राचम की यो क्या लिखा रही तन्ने कुछ नहीं मन्ने क्या लिखा माँ जानू ते बड़ी इसका पिट्टी बने मारी बात तारी खोपड़ी मना वे ये उनकी जात कुछ होर मारी जात कुछ होर तारा दादा तारा बाबा मान जावेंगे री टोटे कर देवेंगे पर मानेंगे नहीं याद रखियो चलो री चले देर से जावेंगी तो फैक्ट्री बंद ना हो जावे चलो 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 हाँ भाई माँ बाप का हिसाब हो जाए ये लें जी ये आपका हाँ जी ये आपके गजब खुदा का सारा दिन गली गली नगर नगर घूमे भूखी प्यासी रवे शाम में यो चंद रुपये लेकर जावे रा इसमें तो घर का आटा भी पूरा ना हुए ते अपना छम्यान बड़ा महंगा बेचिए हमारे कन्ने यो 10 रुपये छुआरे भी तो तुम्हें हम देते हैं तुम कौन सा खुद खरीदती हो उसमें से आधे खुद खा लेती हो अरे कभी उसका हिसाब दिया है तुम्हें बड़ा झूठ बोले तन्ने छुआरे खाते मैंने अपनी आंखों से देखा सच बोल बोल नहीं तो पाप लागे तुम जात अरे तुझे तो 3 कत्ल भी माफ है तू खा ले बेशक खा ले अरे तुझसे कौन छोरा पूछता है खबरदार मारी लड़की से ज्यादा बात करी तन्ने मैं गुद्दी से जुबान खींच के हाथ में दे दूं हाँ चल रे चमकी की माँ वड्डे ठेकेदार से बात करे खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फेंक दूंगा तुम्हारा ये टूटा फूटा सामान हाँ सलाम वालेकुम सलाम क्या बात है बड़े साहब बैठे हैं अंदर बैठे हैं क्यों मैंने उनसे जरूरी काम है तू हट पर है
साहब जी सलाम। वालेकुम सलाम, आओ क्या काम है? साहब जी मां नैलन की जुतियां ते टूटी फूटी चीजें इकट्ठी करके ठेकेदार को दे रहे, पर ठेकेदार हमको टिक टिक पैसे ना दे, घड़ी जाती करे। अच्छा जी सर। कहाँ है ठेकेदार? सर जी ये बिल्कुल झूठ बोल रही है सर जी, आप खुद आकर देखें, इनके पास निकलता ही क्या है सर जी, उल्टा हम इनको छुआरे देते हैं जिनके हमें ये पैसे भी नहीं देते सर जी। ना 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 साहब जी, ये रोजाना छुआरे तोले, बाद में समय आन तोले, उसमें से पैसे काटे तो फिर बाकी पैसे देवे। आप खुद चल के एक बार मारा समयान देखो साहब जी, टोकरा भर के माल आवे, मगर क्यों बेईमान कभी 10 रुपये से ज्यादा ना देवे। आओ साहब जी देखो। चलो मुझे दिखाओ इनका सामान। इन मजदूरी वालों के साथ ज्यादती मत किया करो, जानते नहीं इन्हीं के सर पर तो फैक्ट्री चल रही है। ठीक है सर जी ठीक है, चलो अभी साहब जी। आओ साहब जी, यो एक यो आम चारों का समयान है और इसने मन्ने एक एक किलो छारे दिए। आओ यो छारे बचे और मन्ने ये सिर्फ 10-10 रुपये देवे। साहब जी तुम खुद बोलो, इस महंगाई में बच्चों को क्या खिलावे क्या पनावे। ठेकेदार तुम ये सामान किस हिसाब से लेते हो? साहब जी 10 रुपये किलो सर जी। हाँ रे मारी माँ, हम रोज 5-6 किलो छमियान दे के जावे और मन्ने सिर्फ 10 रुपये देवे, रकम जात। ठेकेदार ठीक ठीक तोल कर बराबर के पैसे दो, आइंदा मैं कोई शिकायत ना सुनूं, समझे? पर सर जी हम इनको ये छुआरे भी तो देने होते हैं सर जी। ठीक है आइंदा मुफ्त दे दो। साहब जी खुदा खुश रखे, हम भी दुआएं देंगे, साहब जी हमारे बच्चे भी आपको दुआएं देंगे जी, अल्लाह जिंदगी करे जी आपकी। ये साहब तो बड़ा अच्छा आदमी री, पर यो ठेकेदार यो कमीना होवे। अब तो खुश हो? साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया। नाम क्या है तुम्हारा? चमकी। चमकी है जी मारा नाम। अच्छा नाम है, आइंदा कोई शिकायत हो तो मुझे बता देना। जरूर जरूर। और ठीक है ठीक है, आज का हिसाब तब रहने दो, कल से जो सर जी ने कहा है वैसा ही होगा। क्या कहा तन्ने? 1 किलो पे 10 रुपये हुए, वो निकालते हैं अभी इसी वक्त, नहीं तो जाओ साहब के पास, निकाल निकाल पैसे दे। ठीक 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 ठीक, जल्दी कर, चल देख देख 10 किलो पे कितने पैसे हुए, 100 रुपये निकाल, 100 रुपये। ये लो बस, जान छोड़ो अब मेरी। उन्होंने तो ख्याल रखी हो। हाँ ठीक है, कम वक्त चड़ेल ने आज की सारी ऊपर की कमाई का सत्यानाश कर दिया। ए छमिया री आना हर घंटे देखे। ना ना बाबा देखेगा तो सामत आ जावेगी, तै देख। आज सामान नहीं देखोगी? बिल्कुल नया सामान बाहर से मंगवाया है। री छमिया री देख कितने खूबसूरत कांटे होवे है। यो कांटे कहाँ के हैं? यो हांग कांग के हुए। यो तो घने महंगे हुए। महंगाई से तुझे क्या, इस पब्लिक तेरे लिए तो ये तोहफा है। नहीं मेरा मतलब तुम सबके लिए तोहफा है, मैं सस्ते कर दूंगा। अच्छा चलो जल्दी से पैसे ले आओ अपने। क्यों? अच्छा चलो तू तो रुक जा, आज इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है,
छोड़ दे मारी बा, कोई देख लेगा। कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि मैं छुड़ियां ही तो चढ़ा रहा हूँ। अच्छा चल यूं कर, जल्दी से अपनी पसंद की चीजें ले ले, वरना वो लड़कियां पैसे लेकर आती होंगी। ये पैसे पूरे नहीं है और लाओ। ते इस महारानी को चीजें मुफ्त में देवे और हमारे से पैसे ज्यादा मांगे क्यों री? कहां ली इसने तो कोई चीज नहीं ली, क्यों छमिया? यो तो जब पहनेगी तो खुद ही पता लग जावेगा कि किन्ने दिए क्यों री। अच्छा जी मैं चला, फिर आऊंगा। नवियां पीढ़ियां बंजियां ठुकवा लो बुनवा लो भाई, दीड़ी चुल्ला सेट करवा लो। दिल्ली चूड़ा चैट करा लो भाई, मंजी पीड़ी बुना लो भाई। दिल्ली चूड़ा चैट करवा लो। अरे भाई बस बस यही अपनी पैदल गाड़ी रोक लो, अल्लाह भला करे तुम्हारा, दो पीड़े बनवाने हैं, काम करोगे? क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, चलो आओ मेरे साथ। क्यों नहीं, ओहो अल्लाह भला करे प्यारे, तुम पैसे कितने लोगे भाई? ओ जितने देना भाई दे देना, जो बने सनेगे दे देना, गरीब आदमी का क्या हो जी। चलो ठीक है भाई तुम काम शुरू करो। बेगम साहबा जी अल्लाह भला करे, वो पीड़े बनाने वाला मिल गया जी, मैंने काम शुरू करा दिया, बड़ा फर्स्ट क्लास काम करेगा जी। अच्छा ठीक है ड्राइवर को भेजो। हाँ जी अच्छा जी। सलाम है जी। नहीं बैठो बैठो काम करो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? गांगुली। नहीं असली नाम बताओ। बेगम साहब गरीबों का क्या नाम होना चाहिए, जो जैसा दिखा वैसा ही नाम रख दिया, जो काला दिखे तो कालिया, जो जरा गोरा दिखा तो चिट्टा। यू जब पैदा हुआ ना यू मने गोल गोल दिखा दे, मन ने इसका नाम गोगुल ही रख दिया बेगम साहब। बहुत बुरी बात, बच्चों के हमेशा अच्छे अच्छे नाम रखने चाहिए जो बड़े होकर उनकी जात पर अच्छा असर डालें, ठीक है? अच्छा अमीर जी मैं जरा मार्केट जा रही हूँ, बाबा भी वीडियो गेम खेल कर आएगा तो उसे चिप्स बना देना। जी बेहतर। और हाँ इन लोगों को पैसे जरा ज्यादा दे देना। जी बेहतर। ठीक है ठीक। चलो फकीर मोहम्मद। जल्दी कर लेना जरा गंगुलू। हेलो भाई पानी भला अच्छा पानी पी लेना बेटा। ले भैया थारे पीड़ तो तैयार हो लिए। लो जी अल्लाह भला करे पैसे गिन लो। ओ भाई तो जान देनी है भाई, गरीबा का क्या हिसाब किताब हो, ठीक है जो नसीब करी जगह मिल जा। चाचे को सलाम कर बाप। वालेकुम सलाम, शाबाश अच्छा भाई थारा भला करे अल्लाह। आज तो घड़ी रात हो रही शाम हो रही भाई, मेरी तो आज मां भी इंतजार कर रही होगी।
रचम की जल्दी अखबार ले रही, तारा बाबा आने वाला होगा। माँ बाबा और कोंगलू आ गए, आज तो बड़े खुश दिखे। पापा क्यों क्या ले आया तन्ने? आज घने पैसे मिले थारे वास्ते, आज मैं बहुत सी चीजा लाया। इसमें जलेब है, इसमें बालू से ही है, पकौड़े है, मच्छी है, मौज करो खाओ भाई। बेगम साहब जी, मार्केट की तमाम वीडियो शॉप देख लीजिए, मगर अली बाबा कहीं भी नहीं है जी। सुनो, उसके साथ उसका दोस्त रजा भी था ना? जी बेगम साहबा। तो जल्दी से नंबर मिलाओ ना उसका। जी बेहतर। हेलो जी, हाँ जी, अली साहब के घर से बोल रहा हूँ जी, रजा बाबा से बात करवाएं जी। हेलो जी, रजा बाबा, अजी आप कब घर आए जी? अजी अली साहब तो अभी तक घर नहीं पहुंचे, हम सब लोग बहुत परेशान हैं जी। मुझे दो टेलीफोन। हेलो हेलो, रजा बेटा, वो अली आपके साथ था ना? क्या आप आधा घंटा पहले आ गए थे? लेकिन वो तो अभी तक। अच्छा बेटा, थैंक यू। हेलो जनाब, खैरियत तो है? वो अली वीडियो गेम खेलने गया था, 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं आया। कमाल है, उसके दोस्त के घर पता कर लीजिए, आप तो वैसे ही परेशान हो जाती हैं। रजा के साथ ही गया था, लेकिन वो तो आधा घंटा पहले घर पहुंच गया है। मैंने फोन किया, रजा कहते हैं कि अली को मैंने घर चलने को कहा था, उसने कहा कि मैं बाद में आऊंगा। क्या आप भी परेशान ना हो, जबकि हमें तमाम वीडियो शॉप्स पर देख के आया है। ठीक है, मैं आता हूं। शुक्र है अल्लाह बड़े का, मेला में रहने वाले भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। जिस बेगम का आज मैं पीड़ा बुन के आया, अल्लाह भला करे उसको, वह तो बड़ी अच्छी बेगम है। मारे गोंगलू को पार करके बोलने लगी, बच्चों के नाम अच्छे अच्छे रखने चाहिए, बच्चे मोटे हों, पतले हों, गोरे हों, काले हों, हों तो अल्लाह साईं का तोहफा ना। यो तो बेगम ठीक ही बोले, यो ना में तो घर सुना सुना लागे। पापा क्या बोले थी बेगम, क्या होना चाहिए था इस गोंगलू का नाम? बोले थी बच्चों का नाम कोई ऐसा ही रखा जा जिसका कोई मतबल हो, और जब कोई नाम रख लिया जा तो फिर उसका नाम बिगाड़ा ना जावे, फिर उसी नाम से पुकारे ना। पापा बेगम ठीक बोले, अच्छे नाम का अच्छा असर पड़े, बुरे नाम का बुरा असर पड़े। पापा सारे महलन में रहने वाले बुरे ना होवे, सारे जुकी में रहने वाले अच्छे ना होवे, वन में अच्छे भी होवे बुरे भी होवे, अच्छे लोग भला सोने के दोस्त होवे, इनको वो अच्छे अच्छे सोने सोने तोहफे देता रहे,
बुरे बुरे उसकी सजा भुगतते रहे। चमकी छोरी तय या उच्ची उच्ची बात कहां से सीखे, या तो किताबा में लिखी हो। हमारी जलेबी गोंगलू रे चमकी की बात मैं सोचूं, या हमारी चमकी छोरी बड़ी गुनी गुनी बात करे, इसमें ये बात सिखावे कौन। ये हम कोना कोना छान मारेंगे, हमारा बच्चा जरूर मिलेगा। अभी आप तो हौसले वाली हैं, इंशा अली को मैं खुद लेकर आऊंगा, मेरा भी बेटा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। कैसे ना हो परेशान, मेरा बच्चे किस साल में होगा। कौन भाभी, कौन वो कौन? जब से गए तेरी फेथ फोन आ चुकी है, कोई आगे से बोलते ही नहीं। यकीन यकीन उन्हें बहुत से पैसे चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती खान साहब, मुझे मेरा अली चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। बेगम बेगम रिलैक्स, काम डाउन, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर कोई हमारे अली को क्यों उठाएगा? ये आपकी गलत फहमी है, प्लीज प्लीज आप खामोश हो जाइए, हम हैं ना। ओहो भाभी 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 प्लीज आप आराम से बैठे बैठे ना। अब मुझे ये बताएं कि सुबह से किस किस का फोन आया और कौन कौन घर में आया। पर जी अल्लाह भला करे, वो मंजी पेड़ी ठोकने वाला आया था जी, और जी वो रुको बैठो बैठो नीचे, अब मुझे तफसीलन बताओ।
चमकी चमकी चमकी। कैसा था वो मंजी पीढ़ी बनाने वाला? सर जी जैसे होते हैं जी मंजी पीढ़ी बनाने वाले। ओहो, मेरा मतलब है शक्ल और सूरत। काला सा रंग था जी, मूछें बड़ी बड़ी थी जी। कोई खास हरकत जो तुमने उसकी नोट की हो? वो जाते हुए ना जी बेगम साहब को दुआएं बड़ी देके गया था जी, अल्लाह भला करे उसका। लेकिन भाई साहब मैंने खुद उस बंदे से बात की थी, वो तो बहुत अच्छा आदमी लगता था। भाभी अच्छा लगने और अच्छा होने में बहुत फर्क है। यही वो लोग हैं जो दो दो चेहरों के साथ घूमते फिरते हैं और बच्चे अगवा करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अमी, और कोई खास बात जो तुम्हें याद हो? भाई गरीबों का क्या हिसाब? तो बस ठीक है, जो नसीब मारोजी है वह मिलेगा। शुक्रिया थारा भाई। जोगियों वाले खाना बताओ। Yeah.